नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटो पिक्सल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी कभी कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं पहाड़ों में जाने के लिए, यानी कि आप अपनी गाड़ी से पहाड़ों में जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो उसकी क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग, और क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ में रखनी है गाड़ी से रिलेटेड, और जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि डायरेक्ट निकल जाते हैं गाड़ी को लेकर, और फिर कई बार पहाड़ों में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि ये चीज़ हमारे से छूट गई है। क्योंकि पहाड़ों में कई बार गाड़ी हीट हो जाती है, कई बार गाड़ी की जो रेस होती है वो काम नहीं करती, कई बार सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है शिमला जैसे या मनाली के जो पहाड़ है वहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि क्लच पैडल जो है हमारा वो ख़राब हो गया या फिर क्लच प्लेट फूक गई है हमारी, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, जिस हम टेरेन में जा रहे हैं वो टेरेन है कैसा, किस टाइप का टेरेन है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मतलब एक्सेप्टेबल है और क्या क्या चीज़ें नहीं है। देखिए, जाने से पहले की बात करते हैं, आपको जाने से पहले क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने लोग जा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, अगर आप 300 या 400 किलोमीटर की ड्राइव पर जा रहे हैं जो कि एक साइड की है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप तीन लोग जाइए, तीन से ज़्यादा मत जाइए। और अगर चार जा रहे हैं तो फिर उसमें आप अपना लगेज जो है उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि आपका लगेज भी आराम से आ जाए और आपको जाते हुए भी कोई दिक्कत ना हो। तो कोशिश कीजिए तीन लोग जाइए और मैक्सिमम चार। कोशिश कीजिए कि पांच लोग ना जाए, क्योंकि पांच लोग में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है फिर तो आपका जो बैग वगैरह है वो उसमें आ ही नहीं पाएगा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं गाड़ी से रिलेटेड। गाड़ी के अंदर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जाने से पहले आपको सबसे पहले जो आपके चारों टायर्स हैं उनके अंदर हवा अच्छे से पूरी भर लेनी, जितनी भी कंपनी ने रेकमेंड की हुई है आपकी गाड़ी के लिए, अगर 40 है तो 40 और 35 है तो 35, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको जो आपकी स्टेपनी है उसको आपको अच्छे से रिपेयर करके रखनी है, यानी कि स्टेपनी जो है आपकी उसके अंदर कोई अगर पंचर है या उसके अंदर हवा नहीं है तो आपको उसको रिपेयर करा लेना है। क्योंकि अगर आगे जाकर कोई भी पंचर होता है तो आप फटाफट उसको किट के थ्रू आप उसको चेंज कर सके। दोस्तों, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो उसके अंदर आपके आते हैं गाड़ी के टूल्स, यानी कि जो भी आपके पंचर से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, यानी कि आपका जैक पाना और पंचर किट, जो ये सब चीज़ें होती हैं आपके पास प्रॉपरली आपकी गाड़ी के अंदर वो होनी चाहिए। क्योंकि आप इतने लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं और अगर पंचर हो गया और आपके पास स्टेपनी भी है उसके बाद भी, लेकिन स्टेपनी तो आपके पास एक ही होगी, हो सकता है कि दूसरे टायर के अंदर पंचर हो जाए, तो उसको रिपेयर करने के लिए या फिर स्टेपनी को ही चेंज करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपकी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए और अच्छे से काम करनी चाहिए। कई बार क्या होता है गाड़ी के अंदर पड़े हैं तो वो काम कर ही नहीं रहे हैं और उनमें कई बार जंग लग जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पंचर किट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है पंचर किट हमारे पास नहीं है और पंचर हो गया और स्टेपनी भी हमारे पास नहीं है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, और पहाड़ों पे आपको कोई पंचर लगाने वाला मिलेगा भी नहीं, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और देखिए, पंचर किट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो पंचर, आजकल जो टायर आते हैं वो आते हैं ट्यूबलेस, और ट्यूबलेस टायर के अंदर जो पंचर किट होती है वो ऐसे लगाने वाली होती है, तो उसकी जो पाँच उसके अंदर ट्यूब आती है इतनी लंबी लंबी, तो वो होनी चाहिए। साथ में आपको एक सीलेंट रख लेना अपने साथ में, जो ट्यूब आती है 10 या 20 रुपए की आती है, उसको फेरी बॉन्ड भी बोलते हैं, तो वो आपको ले लेनी है, उससे आपका पंचर और मजबूती से लग जाएगा। जैक की मैंने आपके पास बात करी, वो होनी चाहिए। साथ में आपको एक स्पेयर बोतल रखनी है जो कि खाली हो, और उसका जो ढक्कन था उसके ऊपर आपको छोटा सा होल कर लेना है, और होल करने के बाद में आपको थोड़ी सी साबुन या फिर जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो रख लेना, ताकि जब भी आपकी गाड़ी के अंदर पंचर हो उसको डिटेक्ट करने के लिए उसके अंदर आप पानी डालें, झाग बनाएं, और जैसे आप टायर के ऊपर मारेंगे तो वो पता चल जाएगा कि कहां पर आपकी गाड़ी के अंदर पंचर है। तो ये चीज़ हुई। तो चौथी चीज़ की बात करते हैं जो कि है, उस गाड़ियों में नहीं होती, अधिकतर गाड़ियों के अंदर नहीं होती, वो है आपकी जंपर किट। जंपर किट के अंदर मैं आपको बताता हूँ जंपर किट होती क्या है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार क्या होता है हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, यानी कि जो उसकी बैटरी होती है वो ख़राब हो जाती है। पहाड़ों में कई बार ऐसा होता है कि हम लंबी ड्राइव करके आए और हमारी जो बैटरी है वो थोड़ी पुरानी होती है, और ठंड का मौसम ऐसे पहाड़ों में होता है, तो कई बार क्या होता है कि बैटरी जो होती है हमारी वो ड्रेन हो जाती है खुद ही खड़े खड़े ठंड के अंदर। तो उसको वापस से चार्ज करने के लिए या तो आपको गाड़ी को धक्का लगवाना पड़ेगा, और पहाड़ों में आप किससे धक्का लगवाएंगे, पहली चीज़ ये। तो उसको रिपेयर करने के लिए अगर आपके पास जंपर किट है तो दो केबल आती है, दो तार आते हैं जिसके अंदर दोनों साइड में क्लिप लगे होते हैं आगे भी और पीछे भी। तो एक तो वायर होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो अगर आपकी गाड़ी जो है वो बंद हो गई है
तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि किसी और की गाड़ी को आप लेकर आ सकते हैं, उसकी जो बैटरी है उसको निकाल कर उससे जम्पर किट से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, मेरी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर आप एक जम्पर किट लेना चाहते हैं तो आप कैसे लीजिए। मार्केट के अंदर काफ़ी रेडीमेड आते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद बनवाइए, और खुद बनवाने का मैं आपको तरीका ही बताऊँगा कि आपको कैसे बनवानी है, कितना मोटा आपको तार लेना है, कौन से आपको क्लिप लेनी है और कितनी लंबी आपको केबल लेनी है। क्योंकि जो मार्केट में बनी बनाई आती है रेडी, जो तैयार आती है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उसका जो गेज होता है वो बहुत हल्का होता है। और वो कई बार क्या होता है कि जैसे आप SUV गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर पावर ज़्यादा होती है बैटरी के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि कई बार तार जल जाते हैं, तो ये भी केस सामने आया है। तो जम्पर केबल आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है गाड़ी का पूरा से इंस्पेक्शन होना अच्छे से। पंचर की हमने बात कर ली है, और पंचर के बाद आपको ध्यान रखना कि गाड़ी के अंदर जो भी इंजन है, इंजन से रिलेटेड सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर कूलेंट पूरा है या नहीं है, जो गाड़ी का इंजन ऑयल है वो ठीक है या नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी गाड़ी के लिए। आप जब भी पहाड़ों में ड्राइव करें या कहीं पर भी आप घूमने जाइए दूर, तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी जो गाड़ी की दोनों चाबियां हैं वो साथ लेके जानी है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है पहाड़ों में घूमते हुए, या हमारा जो दिमाग होता है वो एंजॉयमेंट में होता है, तो कई बार क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं एक चाबी रख के कहीं पर भी, और फिर वो चाबी खो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है और कई सारे केसेस में ये चीज़ देखने को मिली है। तो उस केस में अगर आपकी चाबी खो गई है और आपके पास चाबी एक ही है, और चाबी आजकल गाड़ी में रह जाती है, और जो गाड़ी है वो कहीं पर ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाती है, आजकल ये सिस्टम गाड़ी के अंदर आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों चाबी आपने साथ रखनी है। और अगर एक खो जाती है या फिर गाड़ी के अंदर आ जाती है, तो आप दूसरी चाबी का यूज़ करके ये चीज़ इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पहाड़ों में आप कहाँ पर चाबी वाले को ढूंढोगे, और अगर आपको चाबी वाला मिल भी गया तो चाबी अगर उसने बना भी तो भी आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं गाड़ी की चाबी के अंदर। जब तक वो मैच नहीं होंगे तो आप गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, और कंपनी वालों को आप बुलाओगे तो आपका बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा, या फिर आपको गाड़ी टो करा के लेके जानी पड़ेगी, जिसमें आपके अगर नियर बाय वो हुआ 20 से 30 किलोमीटर में तो भी आपके 5 से 6 हज़ार रुपये आराम से लग जाएंगे। तो गाड़ी की चाबी जो है, जो आपकी स्पेयर गाड़ी की चाबी है, उसको आप हमेशा अपने साथ लेकर जाइए। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करने के बाद एक अच्छी ड्राइव पहाड़ों के लिए मेंटेन कर सकते हैं, और अच्छे से आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।